ये उन मीडिया वालों के लिए मेरा डायरेक्ट मैसेज है और आप लोगों से सीधे एक बात कहता हूँ कि सुनो बे, तुम सालों कुछ तो शर्म कर लो बे। तुमको हिंदुस्तान में सिर्फ गलत चीजें दिखती हैं, अच्छा कुछ नहीं दिखता तुमको। पुलिस वाला एक गरीब आदमी को पैसा देता है तो तुम उसमें नीचे लिख देते हो कि पैसा ले रहा था, शर्म नहीं आती तुम्हें? और जब तुम्हारे घर में कुछ होता है तो तुम उसी पुलिस वाले के पास जाते हो। एक सिपाही हिंदुस्तानी फौज का जब शहीद होता है तो तुम लिखते हो किल्ड, तुम लिखते हो मारा गया, आतंकवादी हमले में 4 सिपाही मारे गए, देवर किल्ड। अच्छा, अबे हरामखोर सालों, वो शहीद कहलाते हैं। अगर इस वतन की बर्बादी का कोई सबसे बड़ा कारण है तो एक पूरा का पूरा ऐसा मीडिया का इस हिंदुस्तान में ग्रुप है जिन सालों को इस देश से ही प्रॉब्लम है। कौन है तुम्हारा बाप? अपने बाप के तो देखते नहीं। और रही बात, मैं ना हर उस मीडिया वाले को बोल रहा हूँ जिसको हिंदुस्तान बुरा लगता है, जिसको भारत में जय हिंद वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय से समस्या है, और हर उस मीडिया वाले को मेरा संदेश है, क्लियर बोल रहा हूँ ये, साला सुधर जाओ तुम लोग बे, नमक का फर्ज अदा करो। तुम्हारा नमक वतन को तोड़ने का नहीं है, वतन को जोड़ने का भी तो काम एक मीडिया कर सकता है ना। सही सवाल उठाइए ना, बेरोजगारी के मुद्दे बिल्कुल उठाइए, जो चीजें जेन्युइन है उसको उठाइए। अबे वतन तोड़ने की क्यों बात कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तुम बांटते रहते हो, दंगों में सारे तुम क्लियर कर देते हो कि ये हिंदू ने करवाए, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने। अच्छा, बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं दिखेंगी साला तुम्हें, तुम्हें दिखेगा क्या प्रॉब्लम? छोटी प्रॉब्लम है यार, उसको करा जाता है, लेकिन तुम ना गद्दारी करते हो साले, तुम वतन से गद्दारी करते हो। और ये हर उस मीडिया वाले के लिए क्लियर कट है। रही बात मेरी में, हम ऐसे ही थे, हमारा जो उखाड़ते बने, पहले भी 2-4-10 न्यूज चलाइए, जो उखाड़ते बने, जब उखाड़ते बने उखाड़ लेना बे। और ध्यान रखना, मैं तो चाहता हूँ एक कानून बने, बिल्कुल पेनी नॉक, बिल्कुल सुई के ऐसे पेनी नॉक भाला किया जाए, और एक कानून के तहत ऐसा कानून बनना चाहिए जो भी मीडिया वाला उसका मालिक जो भारत को तोड़ने की बात करे, जो भारत के शहीदों का अपमान करे, भारत के तिरंगे का अपमान करे, भारत के हिंदू मुस्लिम एकता का अपमान करे और तोड़ने की बात करे, ऐसे 4 भाले लगाओ, और एक काम करो उसको ऐसा उठा लो, नीचे भाले लगा दो ऐसा पैर खोल के, दैट इज मस्ट। और ये कानून एक ऐसा बनना चाहिए मीडिया, सुनो बहुत ज्यादा आजादी हो रही है, आर्टिकल 19 में ना भारत को तोड़ने की बात मत करो, अगर किसी में दम है, मैं देता हूँ चैलेंज, तुम में दम है ना तो जरा भारत का अच्छा भी दिखा के दिखा। नहीं, लेकिन उसमें तो रोजी चलती नहीं है ना, तुम्हारी रोटी चलती है सिर्फ साला इस वतन की बुराई करने में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप या तो साले चाइना में बैठे हुए या पाकिस्तान में। शर्म करो बे, जिसको चीटा लगा होगा ना, ये बिल्कुल करेक्ट उसी के लिए मैसेज था। अपनी टीआरपी के चक्कर में इस देश को उतना तोड़ रहे हैं ना जितना अंग्रेज नहीं तोड़ पाए। क्या लिखता है, भारत में हिंदू होना गुनाह। अरे भाई साहब, हम हो तो भारत में रह रहे हैं भैया, भारत में हिंदू होना गुना, इसमें ऐसा हिंदू लोग को लगेगा कि पूंजी हो गया यहाँ पर। अब एक बात बता भाई, हिंदू भाई लोग हम सबसे कहते हैं कि आप न्यूज चैनल छोड़ दो, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले में देखिए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या ऐसा लगता है कि आपको कोई जान ले लेगा उस मोहल्ले में? अपने मोहल्ले को देखिएगा, टीवी मत देखिए, टीवी देखेंगे तो आपको दूसरी दुनिया लगेगी, ऐसा कोई नहीं लगता है। हम अपने मोहल्ले में कहते हैं, हम हमेशा एग्जांपल में आपको बोलते हैं, मिश्रा जी को देख, हमारे अगल बगल में खाली मिश्रा जी मिलेंगे आपको, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन ये चैनल देखिए, मुस्लिम मुक्त भारत, हमको कभी ये बात एहसास नहीं हुआ कि हमारे अगल बगल में, मतलब हमारे एरिया में 2% भी मुस्लिम नहीं है, इतना ही है, चारों ओर है, लेकिन हमें कभी फील नहीं हुआ कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन न्यूज चैनल वाले देखिए क्या कह रहा है, मुस्लिम मुक्त भारत। ये क्यों लिखा है? क्योंकि मुसलमान लोग का दिमाग खोले और रुके, क्योंकि जहाँ रुकेगा इसकी टीआरपी बढ़ेगी, वॉच टाइम बढ़ेगा इसका। यहाँ क्या लिख रहा है, हिंदू होना गुनाह है। अरे भैया, काहे लिए गुनाह है यहाँ पे? सनातन आज तो कोई मिटा पाया यहाँ पर किसी को? अजब हाल है भाई, ये अपनी टीआरपी के चक्कर में इस देश को उतना तोड़ रहे हैं ना जितना अंग्रेज नहीं तोड़ पाए सब वहाँ पर। सोचिए यहाँ पर, ये देखिए, और न्यूज जैसे जैसे आएगा उसी हिसाब से। एक बीच आंख मारने वाली एक बड़ी फेमस हुई थी, तो ये देखिए इनका, कजरारे नैनो वाली से क्यों डरे मौलाना। अरे भैया, वो आंख मार रही है मौलाना साहब को, थोड़े मारिए, मारने दो भाई, डरिए रहा है तो क्या जरूरत है। ये नेशनल मीडिया है हमारे देश का, 21वीं सदी में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये न्यूज दिखा रहा है, और वो भी इतना बड़ा न्यूज चैनल आज तक, कि आंख मारने से मौलाना डरा। यार लेवल देखो हम लोग का कहाँ चले गए यार, न्यूज चैनल। अच्छा भाले, विदेश वाले देखते होंगे से तो गरियाते होंगे सब। यहाँ कोरोना आया भाई, तबलीगी जमात याद कीजिए, मार्च अप्रैल का महीना, ससुरा ऐसा लगता था कि जिधर मिल जाएगा सब जमात वाला आदमी मार डालेगा उन सबको, ऐसा मीडिया। अभी कोरोना से तो कोई डरिए नहीं रहा है कि नहीं? अभी इन्होंने देखा कि भैया ये तो मामला पुराना,
हो गया। देखो रिया चक्रवर्ती काला जादू यार, बता रहे हैं, सच बता रहे हैं कि ये मीडिया वालों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत की भावनाओं से खेला है। आज लोग सुशांत सिंह का मैटर आता है ना तो लोग इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर उनकी इज्जत को, उनको मतलब उनको इतना बुरा भला कर दिया कि ये गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, ये रहते हैं, मतलब पूरा उनको मीडिया ट्रायल करके रख दिया। मीडिया वालों ने मिला क्या, इनकी टीआरपी बढ़ गई, नंबर वन चैनल चलेगा, चैनल चैनल वाले लड़ गए लोग, ये बोलता है कि हो जाओ पक वाले एक और रिया चक्रवर्ती ऐसे ऐसे करके। क्यों, टीआरपी पब्लिक भारत का न्यूज चल रहा था, वो भी इंग्लिश वर्जन, इनका रिपब्लिक इंडिया है इंग्लिश वर्जन, और वहां के लोगों से जब पुलिस जांच की तो सोच रहा किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा था, तो पूछा रे चोटा कहीं कैसे तरह इंग्लिश नहीं आ रहा था, तो इंग्लिश चैनल वाले 24 घंटा का ही चला रहे थे। अब इस पर इंक्वायरी बैठ गई, भाई साहब को मिर्चा लग गया, अभी इन्होंने तो घटेर दिया था, आज तक वालों को भी भड़क गए सब यहाँ पर। तो अब हम ये सब चीज बोलेंगे तो हमारा बोलेगा सब एंटी नेशनल हो गया है। मुंबई पुलिस से पहले भी रिपब्लिक टीवी पर कई बार घोटाले के आरोप लगे हैं, कैसे कि रिपब्लिक टीवी जो था कई बार क्या करता था ना, सेटअप जो डिश सप्लाई करने वाले होते हैं सर, उनसे कह दिया था कि आप मेरा चैनल 8-10 जगह कर दीजिएगा, मतलब 40 नंबर पे भी मेरा दिखेगा, 35 पे भी दिखेगा, 60 पे भी दिखेगा, मतलब एक ही चैनल वहाँ चार जगह दिखेगा। अब चार जगह दिखेगा तो एक चार इंप्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इससे भी वो क्या हो सकते हैं पकड़, एक बार इनके ऊपर ट्राई नहीं आरोप लगाया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये कोई नया बात नहीं है, इन लोग पे आरोप लगते रहता है। अब इनका कहना है कि भैया हम सर बहुत अच्छे से समझाते हैं और बीच बीच में जो छोटे छोटे बात बोलते हैं एकदम एक नंबर ये वो और कॉमेडी वाली बात तो पूछ मत, कितना ज्यादा आज की है सर, तो जैसे बोल रहे कि अपने क्लास फेलो को बना दिए बेलारूस का राष्ट्रपति, ऐसा दोस्त होना चाहिए कि पूरा एक तो देश दे रहा है, एक देश ही दे रहा है। काफी मजेदार वीडियो थी यार। और ये जो युद्ध का इस बार तरीका इन लोगों ने अपनाया है कि जैसे सर नहीं कह रहे थे कि क्या गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।